यह है कि औरंगजेब का डीएनए है मोहन भागवत के शरीर में। जो मुसलमानों के प्रति नफरत रखने वाले डासना देवी मंदिर के यति नरसिंह आनंद सरस्वती ने अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर दिया विवादित बयान। यह है कि औरंगजेब का डीएनए है मोहन भागवत के शरीर में। जो औरंगजेब का डीएनए है वो मोहन भागवत का डीएनए है। जो अलाउद्दीन खिलजी का डीएनए है वो मोहन भागवत का डीएनए है। उसको ये बकवास मुबारक। पिछले कुछ महीनों से विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे यति नरसिंह आनंद सरस्वती ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया, लेकिन इस बार उनके निशाने पर हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में हिंदू मुसलमानों की एकता को लेकर बयान दिया था। गाजियाबाद में द मीटिंग्स ऑफ माइंड्स बुक लॉन्च के मौके पर मोहन भागवत ने कहा था कि अलग अलग धर्म होने के बावजूद सभी भारतीयों का डीएनए एक जैसा है। मोहन भागवत के इसी बयान को लेकर यति नरसिंह आनंद सरस्वती ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि पता नहीं मोहन भागवत कौन सा नशा करते हैं। साथ ही मोहन भागवत को लेकर कहा कि औरंगजेब का डीएनए मोहन भागवत के शरीर में है, तो जो अलाउद्दीन खिलजी का डीएनए है वो मोहन भागवत का डीएनए है। उनको ये बकवास मुबारक हो। नरसिंह आनंद सरस्वती ने कहा कि मोहन भागवत के दिल में इन लोगों के लिए बड़ा रहम आ गया है। दरअसल ये योगी आदित्यनाथ को चुनाव हराने का उनका एक षड्यंत्र है। ऐसा पहली बार नहीं है जब महंत यति नरसिंह आनंद सरस्वती ने कोई विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कई बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। यति नरसिंह आनंद सरस्वती उत्तर प्रदेश के डासना इलाके में देवी मंदिर के महंत हैं और इलाके में हिंदुओं के लिए अघोषित सरपंच भी। हाल ही में जब डासना में 14 साल के आसिफ को कथित तौर पर मंदिर में पानी पीने को लेकर पीटा गया, तब इन्हीं यति महंत नरसिंह आनंद ने नाबालिग आसिफ को जिहादी तक कह दिया था। तब भी लोगों का गुस्सा महंत के खिलाफ सामने आया था। आपको बता दें कि नरसिंह आनंद सरस्वती कभी समाजवादी पार्टी के नेता भी हुआ करते थे। उनके खिलाफ सांप्रदायिक दंगा, खुद की सेना का गठन, नफरती भाषण और आर्म्स एक्ट समेत आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वो अक्सर इस्लाम को धरती से हटाने की बात करते नजर आते हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।